दोस्तों आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए गूगल को ओपन करके गूगल सर्च बार में टाइप करना है ASK1UIDAI और सर्च करना है। उसके बाद पहले वाले लिंक मिलेगा, इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज खुलेगा। उसके बाद यहाँ पर एक मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, जो मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर कैप्चा है, तो इस बॉक्स में आपको कैप्चा सही से फिलअप कर देना है। ठीक है, फिलअप करने के बाद यहाँ देखिए जेनरेट OTP का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को इस बॉक्स में आपको फिलअप कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 3967692 है, 3967692। ठीक है, और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। आपका OTP वेरीफाई होने के बाद इस तरह का पेज खुल जाएगा। उसके बाद देखिए फर्स्ट वाले जो ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर आपको टिक लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना आधार कार्ड के नंबर डाल देना है। आधार कार्ड के नंबर डालने के बाद आधार पर जो नाम है नाम को डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, तो डॉक्यूमेंट में दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट में ही टिक लगा कर रखना है। उसके बाद आपने स्टेट का नाम, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, स्टेट के नाम सिटी के नाम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आधार सेवा केंद्र का नाम डाल देना है। ठीक है, और नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएगा, क्या आप अपडेट करना चाहते हैं, तो मोबाइल नंबर वाले जो ऑप्शन है इस पर आपको टिक लगा देना है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर शो करेगा। ठीक है, यहाँ से मोबाइल नंबर को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप दूसरा मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो यहाँ से डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर डेट का ऑप्शन आएगा, तो डेट को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टाइम का ऑप्शन आएगा, टाइम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर, न्यू मोबाइल नंबर शो करेगा। ठीक है, उसके बाद आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर शो करेगा। सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ये आपका जो फॉर्म है इस सबमिट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑनलाइन पर आपको टिक लगाना है, और यहाँ पे यू का ऑप्शन है, इस पर आपको टिक लगाना है। उसके बाद आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं उस पर आपको टिक लगाकर मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। पेमेंट दोस्तों जब करना है, जब आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवाना है। ठीक है, अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं करवाना है और दोस्तों आधार सेवा केंद्र सेंटर के पास नहीं जाना है, तो आपको पेमेंट नहीं करना है, नहीं तो दोस्तों ये पैसा आपको बेकार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ वॉलेट का ऑप्शन आ जाता है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ जाता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फ़ोनपे, गूगल पे का ऑप्शन आ जाता है। आप किसी के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट करने के बाद आपको एक स्लिप मिल जाएगा। स्लिप को स्क्रीनशॉट ले लेना है या उससे प्रिंट निकलवा लेना है, और जो आधार सेवा केंद्र है वहाँ पर जाना है। जाने के बाद 5 से 10 मिनट के अंदर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवा सकते हैं।